सच में मैं भूलने लग गया। मैं भूल जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मैंने एक सीक्रेट सीखा है कि भूलना वरदान है, याद रखना बीमारी है। ओसीडी वाले भूलते ही नहीं होता है, होता है, बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ जो बुरा हुआ भूल जाते हैं, भूल जाओ। आपको जैसे कोई बात है उसे भूल जाओ, बस किसने क्या किया, पास्ट में कुछ हुआ, उसको याद रखने का फायदा ही नहीं है। पास से याद है सर, मेरे को एक बात बताओ, ये जो हम फिल्मों में सुनते हैं कि जो प्यार होता है वो जिंदगी में एक बार होता है, ये सच है? इसमें दो तीन बातें बताता हूं। क्योंकि ना अगर हम किसी के पास्ट में जाएं या जैसे किसी के भी, है ना, अगर उसे पहले हुआ है या नहीं हुआ, अगर मान लो हुआ है तो फिर मैं हम सोचेंगे कि मेरे साथ तो इसे इतना वो चीज तो होगी ही नहीं। लेकिन ये आप, मैं बताता हूँ रियलिटी, वैसे यूनिवर्सल इसकी डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन मैं फिर बताता हूँ भी आप किस संदर्भ में पूछ रहे हो, फिर मैं सच बता दूंगा। आप अगर हस्बैंड के लिए हाँ, पूछ हाँ, रहे हो, वही वही भी उनको पहले प्यार हुआ है, मैं ही पूछ रही हूँ। वैसे मेरे को नहीं पता, ये है नहीं ऐसा वैसे, बट फिर भी ये क्या होता है? ये एक तो होता है प्यार, एक होता है अटैचमेंट। हाँ जी, वो आपने वैसे कल दोबारा कर देता हूँ। अटैचमेंट बार बार होती है, प्रेम ना होता है, ना एक बार होता है ना बार बार होता है, वो तो समग्र है। प्रेम तो रहता ही रहता है, जैसे मर भी तो जाता है, है? मरता भी होगा वो। ना प्रेम मरता नहीं है, प्रेम तो अमर है। प्रेम ना पैदा होता है ना वो प्योर है, प्योर है, हमेशा रहता है ना। वो तो एक है ही अलग अवस्था, मन की अवस्था, जिसमें ये कोई व्यक्ति, प्रेम है ना व्यक्ति विशेष नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो होता है यूनिवर्सल। अच्छा अच्छा, जैसे एक जैसे मानवता के प्रति, आप जैसे एक माँ है, वो सिर्फ अपने बच्चे से प्रेम करती है, बाकियों के बच्चे उनसे गंदे लगते हैं, भगा देती है, तो वो प्रेम नहीं है, अपने बच्चे का मोह है। अगर प्रेम होगा बच्चों से तो सारे बच्चे ही अच्छे लगेंगे, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का। प्रेम और प्यार एक ही चीज है। हाँ, प्यार एक ही चीज है ना। तो अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब इसमें वो कोई नहीं होता कि एक बार हुआ या दो बार, मतलब ये तो अगर लड़के लड़की का भी कॉन्सेप्ट हो तो ये तो... देखो मैं एक बात बताता हूँ, आज रियलिटी साइकोलॉजी की, ये रियलिटी आज तक ना गूगल ने बताई है ना राजेंद्र जोधपुरिया के अलावा और बताई है। मैं बता देता हूँ, फिर भी आप मेच्योर हो इस मामले में, एक सच्चाई आज आपको मैं बता देता हूँ। अटैचमेंट बार बार होती है, अटैचमेंट का होना होता है कि शारीरिक आकर्षण, प्रेम नहीं है उसमें। प्रेम होगा वो हमेशा रहता है, लेकिन जो अटैचमेंट है वो कुछ देर के लिए। अटैचमेंट कुदरती है, प्रेम भी कुदरती है, अटैचमेंट भी कुदरती है। अटैचमेंट में क्या होता है वो देखो, एक लड़का एक लड़की को देखता है, वो लड़की उसे पसंद आ जाती है, वो उसकी तरफ खींचता है, वो प्रेम नहीं है, वो आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण। ये शारीरिक आकर्षण जीन्स ने पैदा किए, हमारे अंदर जीन्स है, लड़की के अंदर भी जीन्स है, लड़के के अंदर। लड़के पहले लड़के की बात करते हैं, वो लड़का उसकी तरफ खींचेगा, उससे उसके मन में क्या है, उससे रिलेशन बनाना, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, उसका इतना ही मतलब है, उससे आगे उसके लिए कुछ नहीं है। तो वो तब तक उसकी तरफ खींचेगा जब तक उससे रिलेशन ना बन जाए। जैसे ही रिलेशन बन जाएंगे, लड़का चला जाएगा, उसके बाद वो उसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये शरीर ने पैदा किया, जीन्स ने पैदा किया कि अरे भाई अपनी अपने वंश पैदा करो, अरे वो अच्छा है, इस पार्टनर अच्छा है, उसके साथ संबंध बनाओ और वहां पर अपना बच्चा पैदा करो और आगे आगे वंश वृद्धि करो। ये जीन साइकोलॉजी है, जीन्स कह रहे हैं यहां पर एक बच्चा छोड़ो और आगे बढ़ो, आगे फिर से उसे लगे आकर्षण होगा, शारीरिक आकर्षण होगा, वहां बच्चा छोड़ो। तो ये कुदरती हो रहा है, कुदरत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो प्रजाति है उसका विस्तार करो। जीन्स चाहते हैं, ये आदमी के हाथ में नहीं है, ये चीज जीन्स के हाथ में है। अब लड़की के ऊपर आ जाते हैं, लड़की किसी लड़के को देखती है तो जीन्स कहते हैं कि ये अच्छा पार्टनर है, ये ताकतवर है, इससे जो तुझे बच्चा लेना है वो भी ताकतवर होगा, वो तेरी रक्षा भी कर सकता है। तो वो उस लड़के की तरफ आकर्षित होगी और उसके साथ रिलेशन बनाना उसे अच्छा लगेगा। वो जीन्स करवा रहे हैं, वो उससे रिलेशन बनाएगी और वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगी। ये जीन्स है। लेकिन प्रेम में क्या है कि किसी का साथ, किसी का एहसास, प्रेम एक एहसास है, एहसास है जो फील किया जा सकता है, फीलिंग है। हाँ, फीलिंग है, फीलिंग से भी बढ़कर एक खुशनुमा एहसास है जिसमें जिया जाता है,
और जो प्रेम में होता वही उसे जानता है, दूसरा उससे, दूसरा उसमें शामिल नहीं हो सकता। प्रेम गली इतनी सांकरी, जी मां दो ना समाई, मतलब प्रेम में इंसान अकेला होता है। और प्रेम सिर्फ मानवता से नहीं, वो किसी भी चीज से, किसी भी चीज वो फिर वो हमेशा वो पूरे ब्रह्मांड से ही करेगा। उसे सारे सारी चीजें अच्छी लगी, पेड़ों से भी हो सकता है, उसे जानवरों से भी, उसे हर प्रेम अवस्था में सारी चीजें अच्छी लगती है, उसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी, तुलना नहीं आएगी, शिकायत नहीं, प्योरिटी आ जाती है। हाँ, और अटैचमेंट में पॉजेसिवनेस आती है कि ये मेरी है तो मेरी रहे, इसके अलावा किसी दूसरे ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं आंखें फोड़ दूंगा, या इसने देखा तो इसको मैं मार दूंगा, ये अटैचमेंट है। ओके, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। सोचा था भी ऐसी भी डेफिनेशन होती होंगी, नहीं पढ़ी सुनी ना, नहीं इतनी ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत पता भी था खैर, पर इतनी ज्यादा नहीं मैंने गहराई से समझी थी। मैंने जीन साइकोलॉजी को बहुत गहराई से सोचा है कि कोई भी व्यवहार हम करते हैं वो हमारे जीन हमसे करवाते हैं, प्लेजर होता है, जो यौन संबंध है उसमें प्लेजर क्यों डाला, क्यों, ताकि इंसान बार बार करे और बार बार बच्चे पैदा हों, मतलब ये वंश वृद्धि के लिए होता है, लेकिन वंश बच्चे ना पैदा हों तो बंदा ये नहीं करेगा, कुदरत के जीन्स का ये मतलब है, जीन्स को यही पता है कि इससे बच्चे पैदा होनी है, इसमें सारा प्लेजर डाल दो ताकि बार बार करे, अगर हमें प्लेजर ना मिले तो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो मानवता खत्म हो जाएगी, प्रजाति खत्म हो जाएगी ना, प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्लेजर इसी में डाला है, खाने में प्लेजर आता है तभी खाते हैं, अगर खाने में मजा ना आए तो खाओगी तो मर जाएंगे, खाना सामने हो मजा ही नहीं आ रहा तो खाएगा ही नहीं बंदा, डिप्रेशन में इंसान का प्लेजर गायब हो जाता है, उसे खाने में मजा नहीं आता, वो भूखा रह जाता है, मर जाता है, खाना कितना भी सुंदर हो, लजीज हो, मजा ही नहीं है तो खाएगा बंदा, भूख के लिए नहीं खाते, भूख लगती है इसलिए नहीं खाते हम इसलिए खाते हैं कि हमें खाने में प्लेजर मिलता है। नहीं, सही है सर, सही, एक्यूरेट, प्लेजर एंड पेन दो ही सिद्धांत है इस दुनिया में, तभी तो मैं कहता हूं मेरे को लगभग अंतिम सत्य पता है सारा, मेरे लिए कुछ भी छुपा नहीं है, ना मन का ना ब्रह्मांड का, अंतिम सत्य, लास्ट ट्रुथ। हाँ, वो कैसे भी, मतलब इस ब्रह्मांड की, इस इंसान की सच्चाई क्या है। अच्छा, मेरे को भी बताओ। वो एहसास की बात है। नहीं, फिर भी होता है क्या, मतलब इंसान का क्या है, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, टाइम लगेगा, आपका स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे चेतना का, फिर समझ में आएंगी, क्योंकि इंसान दसवीं क्लास में हो, अगर पीएचडी का कंसेप्ट उसे बता दिया जाए तो उसके ऊपर से निकल जाएगा। नहीं, थोड़ा बता, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अब मेरे को, मैं पूछ कर छोड़ूंगी, मैं ये बताऊंगा, ये आप पर्सनल डिस्कस करेंगे बात, तो फिर क्या होता है बता दो। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, चेतना का सारा विकास बताना होगा। नहीं, वो विकास नहीं, मतलब वो चीज नहीं, बस मेरे को आप सच्चाई बता दो। हाँ, सच्चाई फिर समझ में आएंगी ना। एड्रेस पूछ रहा हूँ। हेलो, हाँ पापा, क्लास सी मैं। अच्छा, की कहंदी? हाँ ठीक है। हाँ, आया सीगा मेरे को, मैं चेक किया नहीं फिर। हाँ ठीक है। चलिए आप इस पर आते हैं, सच की बात बाद में करेंगे, पहले नहीं सर, सच बताओ ना, सच बाद में बताएंगे, फिर डिस्कस करेंगे, एक दिन फिर आ जाना। नहीं, इतना नहीं, चलो हिंट दे दो, सच क्या है। हिंट मैं बता देता हूं, सब कुछ यहीं से बना, अग्नि, जल,
वायु, मिट्टी, इनका कॉम्बिनेशन है, इनका एक निश्चित अनुपात है। ये सभी पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले, चेतना पैदा होगी। अनुपात क्या होता है? वो रेशियो। रेशियो, जैसे अनुपात बिगड़ जाए, रेशियो बिगड़ जाए तो समीकरण बिगड़ जाए तो चीजें अलग अलग होगी। दो गैसों को मिलाते हैं, अलग अलग अनुपात में मिलाएंगे तो अलग अलग चीजें। जैसे पान, जैसे गुड़ अंगूर या उनको एक निश्चित अनुपात में मिला दें तो नशा पैदा हो जाता है। ना गुड़ में नशा है, ना अंगूरों में नशा, या जो भी उसमें डलते हैं, अलग अलग में कोई नशा नहीं है ना, लेकिन उनको निश्चित अनुपात में मिला दें तो वो शराब बन जाती है। हाँ, शराब कहाँ से आई? वो अंगूरों से ही होती है। अंगूरों से होती तो रेडियो गुड़ में शराब होती तो अपने घर में क्यों नहीं बनती? मतलब दोनों को ऐड करने पर, दोनों को आप मिला के यहाँ छोड़ दे तो बनेगी? बनेगी। हाँ जी। नहीं। अच्छा। जब तक उसका निश्चित अनुपात में नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा। उसी प्रकार ये पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले तो चेतना पैदा हो गई। अच्छा अच्छा। तो हमारा शरीर इन पदार्थों का ही एक अनुपात है। और जानवरों का? जानवरों का भी एक पदार्थों का अनुपात है, उनमें उनकी जो अनुपात की रेशियो वो अलग है, तो उसमें अलग चेतना पैदा हुई। पेड़ों में, सब में अनुपात है ना। तो फिर इसका लास्ट ट्रुथ क्या है? यही कि अनुपात का मिलना एक जीव का उत्पन्न होना है, अनुपात का बिगड़ जाना जीव का विनाश होना है। बस यही होता है लाइफ। हाँ, और ना कोई कहीं से आया, ना कोई कहीं जाएगा, ऐसे हजारों सालों से अनुपात बिगड़ते बनते आए हैं, बनते बिगड़ते रहेंगे। हम एक कठोर है ना, बड़ी निरस्सी है हमें, फिर क्योंकि आशावादी नहीं है ना ये चीजें। ये सच्चाई ऐसी होती है कि आत्मा क्या है, ये चेतना ही है और कुछ भी नहीं। भी आत्मा ना शरीर में आती ना जाती, ना जाती है। हाँ। चेतना क्या होता है? कॉन्शियसनेस, मतलब जो है दिख रही है, जागरूक है क्या? हाँ, कुछ ना कुछ जो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। जैसे पुर्जे पुर्जे घड़ी के मिला दिए तो घड़ी चलने लग जाती है ना। हाँ, वैसे ही शक्ति है ये। हाँ, वो एक ऊर्जा पैदा होगी ना कॉम्बिनेशन से, शारीरिक अनुपात से। हाँ, तो जो बोलते हैं एडम और ईव आए थे पहले, ना ना ना, वो काल्पनिक कथाएं हैं सारी। एडम ईव सारी कल्पनाएं हैं वो। नहीं, ये तो सच होगा कि जो पहले सृष्टि बनने से पहले यहाँ सब धंधुकारा था। कोई धंधुकारा नहीं था, ये चीज तो गुरबानी में लिखी हुई है सर। देखो, आप लिखी हुई बात को मत मानो, लिखा हुआ 100 साल 500 साल पहले का गुरु नानक देव जी से पहले। सिर्फ धुंध, मतलब कुछ इंसान तो छोड़ो, जैसे धुंध नहीं होती फोग, वैसे सारा कीड़े मकोड़े, कुछ भी नहीं। करोड़ों अरबों 500 करोड़ से पता नहीं कितने दिन पहले धरती बनी है। तो धरती बनने से पहले तो कुछ होगा ना? कुछ नहीं था। तो वही, तो भी वो जो कुछ नहीं था तो तब तो इंसान भी नहीं थे, इसका मतलब इंसान कहाँ थे? हाँ, तो फिर वही तो मैं कह रही हूँ कि वो क्या था, वो धुंधुकारा ही तो था। कोई धुंधुकारा नहीं था, स्पेस था, खाली स्थान था। ये धरती खाली थी? धरती तो थी नहीं ना। अच्छा, हाँ, मतलब अब देखो स्पेस के अंदर धरती एक गेंद की तरह घूम रही है, एक गेंद नहीं थी बस। अच्छा अच्छा, अभी वो एक खाली स्पेस था। अच्छा, उस खाली स्पेस को शायद धुंधुकारा बोल दिया। उसको कुछ भी बोल दो, उसको कुछ भी बोल। उसमें वो गुरुत्वाक्षण शक्ति के कारण घूम रही है। जैसे कोई विस्फोट हुए कभी तो पत्थर जुड़ गए, गुरुत्वाक्षण से जुड़ती है ना चीजें, जुड़ गई। अब एक सूरज का गुरुत्वाक्षण है, उसके इर्द गिर्द घूमने लग गए, सारी चीजें घूम ही रही है, हम भी घूम रहे हैं, सूरज भी घूम रहा है, आकाश गंगा ही घूम रही है, हर चीज घूम रही है क्योंकि गुरुत्वाक्षण में कुछ स्टेबल नहीं है ना। परिवर्तन चल रही है, घूमती है, घूमने से ही हम टिके हुए हैं, हम स्टेबल नहीं है यहाँ कुछ भी। सब कुछ गति है, गति में ही चलता है, रुकता नहीं है कुछ भी, क्योंकि गुरुत्वाक्षण सब घूम ही रहा है, सब कुछ मूवमेंट में चलता है। क्योंकि जैसे आप वैज्ञानिक, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, वो भी तो पता नहीं कितने महीन होते हैं, वो भी घूमते ही हैं। चुंबक में जब ऊर्जा आती है तो घूमने लग जाती है ना, तो ऐसे ही सारी चीजें बनी है ना। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी
बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।